हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्ट चैनल सुखमन कौर आर्ट्स। गाइस, ये मेरा जोड़ा पहला ब्लॉग हैगा इस तरीके नाल कि जिद मैं थोनों अपनी पोर्ट्रेट बनाते थी फुल वीडियो भी दिखानी है एंड नाल दी नाल आपां गल्लां बातां भी जरूर करांगे। तो स्टार्टिंग च मैं थोनों पहला ये दसना चाहूँगी कि जिदा मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ ही इज़ ऑल्सो अ ब्लॉगर एंड वीडियो बनने तो पहला जे तुसी पहचान सकते हो कौन ने यह तो कॉमेंट करके जरूर दस्यो भी तुसी पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे। पर वीडियो खत्म होने तो पहला दसना, वीडियो खत्म होने तो पता लग ही जाना कौन है। एंड गाइज, ये सिर्फ एक सिंगल परसन का पोर्ट्रेट नहीं है, ये कपल पोर्ट्रेट है जो कि थोनू पता चल ही जाएगा, तुसी पूरी वीडियो देखते रहो। ते इहदे च गाइज मैं ग्रिड मैथड यूज कर रही है, तुसी कोई भी मैथड यूज कर सकते हो जिहदे च कंफर्टेबल है, फ्री हैंड भी यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्टिंग मैथड्स भी यूज कर सकते हो जिन्हों की आपां ट्रेसिंग मैथड भी बोल दिंदे आ, या फिर फ्री हैंड भी कर सकते है। क्यों मैं ग्रिड मैथड इस करके यूज कर रही है बिकॉज मेरे को थोड़ी जी टाइम की शॉर्टेज सी, तो मैनू ये जल्दी कंप्लीट करके मैं भेजना सीगा पोर्ट्रेट, इस करके मैं ग्रिड मैथड अप्लाई किया। जो मेरे को टाइम होंगे तो मैं फ्री हैंड यूज़ करती हूँ, जो मैं लगे कि हूँ मेरे को टाइम शॉर्टेज है या कोई भी, या फिर मैं थोड़े हरी च होव तो फिर मैं ग्रिड मैथड अप्लाई करना ज़्यादा बैटर समझती हूँ। ट्रेसिंग मैथड गाइज मैं उदो करती हूँ सी जो मैं बेसिकली नहीं आता सदो जस्ट बिगिनिंग ही सी मेरी, उस टाइम पर मैं ट्रेसिंग मैथड भी यूज़ किया हो। सारे मैथड अपनी अपनी जगह पर सही है, डिपेंड्स कि तुसी केड़े मैथड दे विच कंफर्टेबल हो। एंड अगर तुसी फ्री हैंड भी करना तो एक बार इन्हां मैथड्स तो गो थ्रू जरूर हो जाओ ताकि डीमोटिवेशन आए कि हाँ यार बनता ही नहीं हैगा अपने तो। सो फॉर द बिगनिंग तुसी ये मैथड्स तो ट्राई करो, पर फ्री हैंड तो तुसी ताई जा पाओगे जदों फ्री हैंड ट्राई करोगे। सो या तो फ्री हैंड कल्ला ही ड्रॉ करते रहो, लेकिन उदे च कई बारी डीमोटिवेशन आ जाती है, यार बनता नहीं है छड़ मैं बनाउणा ही नहीं करना, तो डीमोटिवेशन ना आवे अपनी। इस करके तुसी जड़ा ना ये मैथड यूज़ करके एक बारी बना लिया जदों, फिर सेम चीज़ ग्रिड मैथड या ट्रेसिंग मैथड तो बाद फ्री हैंड च भी रिपीट करो। उहदे नाल की है, एक तो डीमोटिवेशन ही आएगी, मोटिवेटेड ही रहोगे कि एटलीस्ट बनता तो हैगा ना, ते हौली हौली थोनू फ्री हैंड च भी आदत हो जाएगी बनाने की, ऑब्जरवेशनस जड़िया ना लैनिया आ जानियां, मतलब मेयरमेंट्स आई व्यू दे थ्रू ही आ जाएंगे लैने। गाइज ये ना बेसिकली की है कि ग्रिड मैथड के जो मैं आउटलाइन दे ली हूँ ना रिमूव कर दी है, इरेज कर लैनी है। तुसी कई की करते हैं ना कि शेडिंग भी नालों नाल ही ग्रिड मैथड के ही अप्लाई करते हैं कि सो दैट वो भी एन परफेक्शन हो ना, तो तुसी वो भी प्रैफर कर सकते हो। बट मैं की करती हूँ कि ग्रिड मैथड अप्लाई करके आउटलाइनस दे के दैन मैं उन्होंने रिमूव कर दिंदी हाँ। ये मैं आउटलाइनिंग वास्ते मकैनिकल पेंसिल यूज़ की है जो तुम देख ही रहे हो, ग्राफ गियर 1000। उस तो इलावा एच बी और टू बी पेंसिल यूज़ हो रही ने मेरिया जो कि मैं एडजस्टमेंट्स करनिया पै रही ने बिकॉज इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक चल रहा मेरा काम थोड़ा, मतलब मेरिया पेंसिल आर नीयरली गोइंग टू एंड, तो ऑर्डर किया हुआ जो कि थोड़ा लेट है और ये वाला मैं पोर्ट्रेट जल्दी भेजना सी, सो मैं इन्हां नाल ही एडजस्ट करके बना रही हूँ समहाउ, तो वो थानू पता लग ही जाए। अदरवाइज मैं लेयर बाय लेयर ही बनाना बैटर समझती हाँ, बट ये मैं 2B एच बी और 4B दे विच बहुत एडजस्टमेंट्स करनिया पै रही हैं, वो तुसी देख ही रहे हो। इनफैक्ट ये की है ना, हुण तुसी देख रहे होंगे दो पेंसिल्स ने मेरिया, एक तो एच बी है और एक 2B है। एच बी जी पेंसिल शॉपनर के ना शॉप की हुई है और 2B जी है वह ब्लेड के नाल है। हुण तुसी कहोगे इदा क्यों, वैसे तो जनरली आई प्रैफर ब्लेड के नाल बिकॉज वो लंबा जड़ा निकल आता है सिक्का अपना, तो बार बार शॉप नहीं करना पैंदा, पर जो शॉपनर ना करो तो बार बार शॉप करने की बड़ी दिक्कत रहती है। सो शॉपनर्स नाल मैं थोड़ा
ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ HB ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੋਲਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ HB ਨੂੰ ਸ਼ੋਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਪ ਕੀਤਾ, ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 2B ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਨਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਅਰਿੰਗ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜੈਲ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਜੈਲ ਪੈਨ ਫੋਰ ਦਾ ਬੀਡਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਿਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜੈਲ ਪੈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜੈਲ ਪੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਡਿਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਨੀਡਿਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਰੇਅਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੀਡਿਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਰਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੀਡਿਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਨੀਡਿਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੈਨਸਿਲ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਾਈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਅਰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਹੇਅਰ ਲੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਾਲਸ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਾਲਸ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਹੇਅਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਗੀ ਗਾਈਜ਼, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ HD ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਆ ਇਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਂਬੋ ਇਰੇਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਬਸ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ HB, 2B, 4B, 6B ਜਾਂ 8B।
कमेंट करके जरूर दस्यो गाइस कि वो छोटी जी जमा ही निकी जी वो पेंसिल केड़े ग्रेड दी है। मैं रिपीट कर दिनी हूँ गाइस, कमेंट करके तुसी मैनू जरूर दस्यो कि वो निकी जी जड़ी पेंसिल है वो केड़े ग्रेड दी है, एच बी, टू बी, फोर बी, सिक्स बी या एट बी। हूँ तुसी ओनू देख के बस हसोंगे जरूर मेरे ख्याल ना। हूँ थोड़ा हूँ छोटी जी पेंसिल देख के थोड़ा हासा निकल जाना गाइज। एक्चुअल जिमें कि मैं दस रही हूँ मेरे को लिमिटेड ही स्टॉक सी और ये ऑर्डर जोड़ा थोड़ा अर्जेंट वाला सीगा ते मतलब टाइम भी मेरे को घट सी ते मैं ऑर्डर की हुई ने पेंसिल्स पर हले तक मेरे को पहुँचिया नहीं है ते जब तक पहुँचनिया सी ते ऑर्डर ये ऑर्डर डिलीवरी का टाइम जोड़ा निकल जाना सी। इस करके मैं इन्हें ही पेंसिल्स के नाल ही कुछ कर रही हैगी हाँ कि किसी ना किसी बन जाए बस कि हाँ बिकॉज हूँ तुम सोचोगे उ एक बेचारी इन्नी निकी जी क्यों है सोचना कि वैसे तो बड़ी ऑबवियस जी गल बेचारी एको ही है जी निकी जी है बिकॉज वो मैक्सीम टाइम मेरी उ यूजेज आती है। हूँ मैक्सीम टाइम तुम आइडिया लगाओ कि केड़ी हो सकती है तो कॉमेंट च जरूर दस्यो। फाइन हेयर्स देने लिए गाइज अगेन मैं थोड़ा दस रही हूँ कि फाइन हेयर्स देने वास्ते मैं मकैनिकल पेंसिल ऑलवेज यूज करती हाँ बिकॉज जो फाइन लाइन ये बनती है वो बाकी पेंसिल नहीं बनती बिकॉज इसका साइज ही एक्चुअल 0.3 mm है। हूँ मकैनिकल पेंसिल मार्केट अवेलेबल होंगी 0.5 mm भी यूज करती हाँ मैं बट 0.8 या 0.10 नहीं करती 0.5 mm मैं यूज कर लेती हाँ फॉर दी आउटलाइनस और अगर मैं फाइन लाइनस चाहिए होंगे दैन आई यूज 0.3। ऑलमोस्ट अपना हो चलिया ये जड़ी है ऑलमोस्ट फेस जड़े कंप्लीट होने वाले है बाकी फाइनल जड़े लास्ट टचअप्स रहेंगे वो मैं नेक्स्ट डे देना प्रैफर कर दिया बिकॉज सेम डे च समटाइम्स ना पता नहीं लगता अपन अपन मिसटेक्स वगैरह या आप की मिस करता या की है ना वो चीज़ा सेम डे थोड़िया ऑबजर्व करनिया थोड़िया औखिया लगदिया ने मतलब अगर कोशिश भी करो तो थोड़ा औखा लगता या तो फिर मैं अगर मैं ज़्यादा अर्जेंट हो कि एको दिन ही देना हो फिर मैं इदा होंगे कि एक बार सारा बन गया दैन कुछ आवर्स दे ली मैं थोड़ा इधर उधर जो जाके दैन ऑबजर्व करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ की मिसिंग रह गया अपने या कितों कोई मिसटेक फाइंड आउट कर लिए बस ताकि वो करेक्शन करके दे सकी आप है ना। अदरवाइज मैं प्रैफर करती हाँ कि एक दिन जड़ा मैं सारा कंप्लीट करके छाड़ दिनी हाँ एज इट इज़ ही दैन नैक्सट डे दोबारा मैं ऑबजर्व करना शुरू कर दी कि कितों केड़ी चीज़ मिस आउट हो रही है अपनी या कितों कितने कोई अलग जी चीज़ लग रही है या गलत है कुछ ताकि मैं उस करैक्शन मेड कर सकाँ। बेसिकली गाइज इन मैं 2 दिन लगाया मैं वैसे तो ज़्यादा भी लग जाते होंगे पर बहुत अर्जेंट सी तो 2 दिन च मैं किसी ना किसी तरीके कंप्लीट करके देना सी और 2 दिन पूरा टाइम मेरा ये ही गया कोई वीडियो नहीं कोई एडिटिंग नहीं कोई कुछ नहीं कंप्लीट ओवरऑल टाइम मेरा ये ही गया बनाने से गया। अदरवाइज मेरा होंगे कि मैं होर आर्ट वीडियोज क्रिएट कराँ या कुछ छोटे ट्यूटोरियल्स क्रिएट कराँ जो कि तुम मेरे चैनल पर देख ही सकते हो बहुत ट्यूटोरियल्स है छोटे छोटे ईजी ड्रॉइंग्स के भी मैं वो क्रिएट कर दिया बट ये जो ये बनाना सी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लग्या क्रिएशन की क्योंकि पूरा जड़ा है ना फोकस इस पोर्ट्रेट के उत्ते सी मतलब पूरा दिन यही फोकस चल यही पोर्ट्रेट चलिया अपना। वैसे गाइज अजकल IPL चल रहे ने थोड़े चो IPL कौन कौन देखता है
यार साड़ी टीम तो यार हार ही हो जाती है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है आईपीएल का। मैनू तो कमेंट्री भी उन्होंने बड़ी ठंडी जी लगती है, पता नहीं मैनू ही लग रही कि तुहानू भी लगती, जे तुहानू भी लगती है तो मैनू दस्सियो यार। मैनू ऐ लग ही जाता मैं शायद कल्ली ना होवां जिन्हों कमेंट्री अजीब जी लग रही ठंडी ठंडी जी। पता नहीं सारे कमेंटेटर ऐतकी नवे ने या पता नहीं मैं देख रही हूँ शायद ता करके ऐतकी आ हाल आ, बाकी पता नहीं। नाले मैं सुनिया कुछ शायद कि सिस्टम जहाँ भी चेंज होया ना कोई, यार मैंने तो इन्नी डिटेल तो मैं पता नहीं, बस पता ये देखी चाहिए भी आ सिक्स हो गया, फोर हो गया, आउट हो गया, बस इन्ने ची नज़ारे ज ले जाइए, ऊँ आप इलावा कख नहीं पता होंगे। जिहड़ा फोकस हुंदा गाइस फेसिस ते ही रहिंदा, बिकॉज फेसिस नूं ही सब तो वध टाइम लगता मेरे अकॉर्डिंगली। मैनू जिहड़ा एक्चुअली मैनू परसनली टाइम लगता फेसिस दे उत्ते, बिकॉज उहदी फीचरिंग वगैरह गाइज एक्चुअल अगर मैं दसा तो फेसिस नूं ही सब तो वध टाइम लगता एटलीस्ट मैनू। मैनू इदां हुंदा कि अगर मेरा फेस कंप्लीट हो गया उहदे फीचर्स अच्छे नाल बन गए एंड हेयर बन गए, ये दो चीज़ें जिते मैक्सीम मेरा टाइम जाता है, और ये जो बन जाए दैन बाकी मैं होंगे कि हाँ छेती हो ही जाना चाहे जिनी मर्जी डिटेलिंग्स होए। उस क्लोथ के जी डिटेलिंग्स है ना थोड़ी इधर उधर भी हो जाए तो इन्ना पता नहीं लगता, बट फीचर्स तो अगर हो जाए ना पूरा उदा लाइक फेस की लुक ही चेंज हो जाती है। सो दैट इज वाई एक तो टाइम भी सिर्फ फेसिस ही ज़्यादा लगता है एंड गाइज फेसिस कंप्लीट हो चुके हैं, पर ड्रेस तो बहुत टाइम लगन वाला है थोड़ा जहा, बिकॉज बहुत डिटेलिंग्स है छोटे छोटे बीड्स वगैरह ये वो, बहुत हैवी वर्क है ड्रेस के उत्ते करके, और ज्वेलरी भी थोड़ी हैवी है तो इस करके थोड़ा ड्रेस से भी टाइम लगेगा हाईलाइट कर डिटेल्स देन। गाइज मैं थोनू दसना चाहूँगी अगेन कि लेयर बाय लेयर प्रेफर मैं ज़्यादा कर दी है विच शेडिंग्स एच बी तो शुरू होंदे होंदे मैक्स सिक्स बी तक जाती है, और अगर एक्स्ट्रा डार्क देना हो तो या तो एट बी मैं यूज़ कर दी हूँ, अदरवाइज मैं चारकोल इंक्लूड कर लेंदी हूँ अगर मैक्सिमम डार्कनेस चाहिए है। इहदे विच वैसे मैं चारकोल यूज़ की नहीं बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा नीड लगी नहीं चारकोल की। ये जी मैक्सीम डार्कनैस है फिलहाल जी देख रहे हो तुम टू बी नाल ही आ रही है, ये जी डार्कनैस है गाइज जी तुम देख रहे हो वो मैक्स टू मैक्स मैं सिक्स बी तक गई हाँ, एट बी भी नहीं मैं यूज़ किया। वैसे गाइज थोनू मैं अपना तो दसिया कि मैं कि मैथड यूज़ करना चाहनी हाँ लाइक फ्री हैंड ट्रेसिंग मैथड या ग्रिड मैथड कदों कि मैथड यूज़ करती हाँ, पर मैं जानना चाहूँगी कि तुसी भी केड़ा मैथड यूज़ करते हो। अगर तो तुसी ऑलरेडी ड्रॉ करते है हो ऑलरेडी आर्टिस्ट है ना तो मैं कमेंट करके जरूर दस्यो भी थोनू केड़ा मैथड पसंद हैगा। जे तुसी नहीं भी हले स्टार्ट किया है स्टार्ट करन जा रहे हो ये वाली जर्नी तो मैं कमेंट करके दस्यो भी केड़ा मैथड ट्राई करना चाहोगे तुसी सब तो पहला। ते नाल ही मैनू ये भी जरूर दस्यो कमेंट करके भी तुसी फ्री हैंड कदी ट्राई किया है या करदे ही फ्री हैंड हो, जे ट्राई किया है पर छड़ चुके हो तो किन्नी क देर ट्राई किया सी या किन्ना चिर ट्राई किया सी या किन्नी क वारी ट्राई किया सी जरूर दस्यो। एंड गाइस शीट केड़ी तुसी यूज़ कर दियो लाइक वाइट शीट यूज़ कर दियो या टोन शीट यूज़ कर दियो या जेड़ी हाथ च आ गई ओ ही चक ली दे फटे, ये भी कमेंट करके जरूर दस्यो। सी हुण तुसी देख ही रहे होंगे किन्नी डिटेल वर्क है, बिकॉज पहला ज्वेलरी आपां क्रिएट करनी सी देन हैंड तो है ही है पर उहदे च जिहड़ियां बैंगल्स ने जिहनूं कि आपां ट्रेडिशन दे अकॉर्डिंगली आपां चूड़ा कह दें अपने ट्रेडिशन के हिसाब ना, सो चूड़ा भी है तो वो करके बहुत टाइम लग रहा, और सेकेंडली ड्रेस के जो वर्क है वो बहुत हैवी है वो करके बहुत टाइम जा रहा अपना, सो बहुत ही ध्यान नाल करना पै रहा। ईवन ड्रेस बनाते हुए भी मैं सोचा यार ग्रिड मैं एवं रिमूव करती कि फोकस हूँ फिर डबल देना पै रहा,
ਤੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਬਣ ਗਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਅਰਜੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟਕਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ DM ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਲੋਗਰ ਨੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਂਬੋ ਇਰੇਜ਼ਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਨਸਿਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਪੀਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸੀਗੇ ਪਰ ਟੋਂਬੋ ਇਰੇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਉਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੈਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
अपनी वर्किंग शीट खराब ना होवे और अपनी जड़ी शेडिंग्स वगैरह स्मूथ रहन, इसलिए मैं नीचे जड़ा है ना पेपर रख दी हाँ। अगर थोड़ा हाथ टच नहीं कर रहा शीट नू तो पेपर दी इन्नी रिक्वायरमेंट हुंदी नहीं, अदरवाइज तुसी पेपर रख सकते हो। तो सैकेंड यूज तो यह हो जाता कि हाथ खराब भी नहीं हुंदा, अदरवाइज हाथ ते सारा ब्लैक पेंसिल्स का लग जाता है तो पूरा फिर शीट ते ही फैल वर्किंग शीट ते ही फैलता जाता है। सो उस चीज़ नू भी अवॉइड करन लई पेपर रखना थोड़ा जिहा जरूरी हो जाता है। तो पेपर का मैनू सैकेंड बेनीफिट यह हो जाता कि पेपर के साइड्स से या फिर मैं जिहड़ी टेप्स वगैरह ना इहनू होल्ड करके रख दिया शीट नू, वो टेप्स ते मैं जिहड़ी है ना इरेजर वगैरह अपनी क्लीन कर लैंदी हां नाल दी नाल। ब्लेंडिंग स्टम्प्स हो गए या फिर इरेजर होगी नाल दी नाल क्लीन करनी जरूरी हो जाती है। ब्रश भी तुसी अकॉर्डिंग टू साइज अपने है ना वर्किंग एरिया दे साइज दे अकॉर्डिंगली कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रश। मेकअप ब्रश यूज करना, मेकअप कर लो, पेंटिंग ब्रश यूज करने, कोई भी ब्रश है तुसी यूज कर सकते हो। सॉफ्ट होएगा तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो सकती है, सॉफ्ट ब्रश ते ना बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है। बाकी बड़े एरिया वास्ते तो तुसी एक जो ब्लश ब्रश देखे होंगे या सुने होंगे जो भी है ना वो यूज़ करो बहुत वधिया रहिंदे आ, पर इत्थे मैनू उस ब्रश की इत्थे रिक्वायरमेंट सी नहीं तो इसलिए मैं यही वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपना फ्लैट ब्रश जो कि फाइन आर्ट्स का है। कैमलिन दे भी आते हैं या होर भी आते हैं, तुसी कोई भी यूज़ कर सकते जो भी थोड़े को अवेलेबल है। मैं बाकी ब्लेंडिंग स्टम्प्स क्लीन कर लेती हूँ नाल दी नाल, वैसे तो यूज़ मैं रेयर ही करती हूँ, बड़े वाले तो मेरे होंगे ही नहीं, यूजेज आते ही नहीं है। बिकॉज अगर बड़ा सेक्शन होंगे तो मैं उसके लिए ब्रश ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी मैं उसके विच ही रहती हूँ, सो मैं यूज़ करती हूँ। बट जो तो छोटे एरिया आते तो मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करती हूँ, नहीं तो ईयरबड्स यूज़ कर लीते हैं। और उस केस दे विच की होंगे ना कि उहदे च भी दो तीन साइज़ हैगे छोटे वालियां च भी, तो उन्हां चों एक हैगा जिहड़ा मैं क्लीन नहीं करदी, बिकॉज वो मैं यूज़ करना होंदा जिथे मैं पेंसिल डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी, वो वाला फिर मैं स्टंप जिहड़ा ना उत्थे यूज़ करदी हाँ जिथे मैं डायरेक्ट पेंसिल यूज़ नहीं करनी होंदी, बिकॉज वो जिहड़ी शेडिंग आउंदी है ना वो मैनूं बड़ी अच्छी लगती है। या फिर अगर आउटलाइन देण लगे भी मैं वो वाला ब्लेंडिंग स्टंप यूज़ कर लैंदी हाँ पेंसिल लगा होया जिहनूं मैं क्लीन नहीं कीता होंदा इस करके। तो जिहड़े बाकी दो है वह मैं क्लीन कर लैंदी हाँ, बिकॉज समटाइम्स शेडिंग दे विच अगर तुसी क्लीन नहीं करते ना तो समटाइम्स की होंदा कि शेडिंग किते किते डार्क हो जाती है किते किते लाइट हो जाती है, वो पैच आना शुरू हो जाता, तो पैच जिहड़ा ना आवे इस करके उन्हूं क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इरेजर नूं मैं दस ही दिता क्यों क्लीन करना जरूरी हो जाता, टोम्बो स्पेशली कई बार की होंगे टोम्बो की शेप जिस तरह की चाहिए होंगी मैं अकॉर्डिंगली इरेज कर करके ना साइड पर कितने रफ जगह पर एक्सट्रा स्पेस पर कितने इरेज कर करके उसकी शेप अकॉर्डिंगली दे दिंदी हाँ। कटर मैं कटर ना शेप उदो दिंदी हाँ अगर मैनू पता हो कि मेरी पूरी ड्रॉइंग ही इदा की ही शेप चाहिए है मैनू, अदरवाइज मैं नाल दी नाल जड़ी है ना अगर कटर दे नाल अगर नहीं दिती होवे शेप तो मैं नाल दी नाल साइड ते रिमूव करके दे लैनी हाँ शेप। जिहड़ा नीडेड इरेजर वाला टूल बना रखिया मैं वो मेरा अपना ही हैगा, तुसी अगर कंफर्टेबल हो तो बना लियो, अगर नहीं कंफर्टेबल या फिर तो अगर तुसी डायरेक्ट नीडेड इरेजर यूज़ कर सकते हो अगर फॉर द थिनर पोर्शंस या फिर है ना तो तुसी उस तरह ही अपना नीडल रेजर नू शेप दे के ही यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंदी, थोड़ा अपना ईज देन वास्ते मैं उन्हों ब्लेंडिंग स्टंप ते लगा के अपना ही एक टूल बना के रखिया, बिकॉज वो वाला ब्लेंडिंग स्टंप मैं यूज़ ही नहीं करती बेसिकली, तो वो फिर मैं उनकी यूजेज रख ली नीडल इरेजर वास्ते। मैं एक्साइटेड हाँ गाइज ये जानने लिए कि थोड़े चो किने किने इन्हों पहचान लिया है ये साढ़े
क्यूट जे कपल नू किने किने पहचानिया ते किने किने नहीं। आई होप सब ने पहचान लिया होवे, पर जे नहीं भी पहचानिया तो कोई नहीं, कर दांगे नाम रिवील भी इन्नी छेती, इन्नी काली कादी आ। कोई नहीं, हौली हौली नाम भी पता लग जूगा, वीडियो तो देखते चलो। वैसे मैं इस वीडियो नू थोड़े लिए पूरा इंजॉयबल भी बना सका, मैं पूरी कोशिश की है कि नॉलेज के नाल नाल तुसी इंजॉय भी कर पाओ, क्योंकि मैं भी देखा कि अगर खाली ड्राइंग लगा के छड़ दो, कोई म्यूजिक नहीं होंदा तो बहुत बोर हो जाता, इनफैक्ट मैं भी नहीं वो देख पाती। सो तुसी इस वीडियो नू देख सको, इंजॉय कर सको, सीख सको कि किवें ड्रॉ करना है, की चीज़ों का ध्यान रखना है, की नहीं, वो सब चीज़ों पर भी फोकस कर सको। तो मैं पूरी कोशिश की है कि थोड़े लिए मैं एंटरटेनिंग वीडियो बना सका विद द नॉलेज। गाइस जे थोनू मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। तो जड़ी चीज़ मैं थोनू ये स्टार्टिंग पूछी सी कि वो छोटी जी पेंसिल अगर थोनू दिखी हो, बिल्कुल छोटी जी कह लो कि बिल्कुल एक इंच की ही होनी है हार्डली, वो वाली पेंसिल केड़ी है वो मैनू जरूर दस्यो। 2B, HB, 4B, 6B या 8B ये कॉमेंट करके जरूर दस्यो। तो ये वाली वीडियो अपने दोस्तों नाल जरूर, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज नाल जरूर शेयर करो, स्पेशली जेडे कि ड्राइंग लवर्स है उन्होंने तो स्पेशली जरूर शेयर करो गाइज। तो ये अगर थोनू कुछ मिसिंग लग रहा हो जो मैं दसना भुल गई या मेरा दसना रह गया, वह भी तुसी मैनू कॉमेंट करके दस सकते हो या मैनू DM कर सकते है, मेल कर सकते हो, तो असी बिल्कुल नैक्सट वीडियो ते उदे ते वर्क जरूर करांगे। गाइज ये बिच ना एक बहुत गलती जी हो गई, एक बहुत बड़ी, कि जो मैं पोर्ट्रेट बना रही सी तो लास्ट पोर्शन जेड़ा मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं कैप्चर कर रही हूँ, बट इन दी एंड पता लग गया कि वो वीडियो बनी ही नहीं। एक ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है समटाइम्स, वो ता नहीं बनी बिकॉज जेड़ा स्पेस है फोन की वो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक 97% था, फिर वीडियो नहीं बनी। पर यह मैनू बाद पता चलिया मेरे अकॉर्डिंगली वो बन रही है, ता करके थोड़ा एंड जेड़ा पार्ट है गया उदियां डिटेलिंग्स इस टाइम इस पोर्ट्रेट दियां ता नहीं आ सकियां। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले जेड़ा भी पोर्ट्रेट बनाऊँगी उन्दे विच मैं वो डिटेल्स ऐड कर सकां, उदां दियां डिटेल्स ते मतलब एक होर वीडियो बना के मैं थोनू दे सकां। लेकिन इहदा जिहड़ा एंड रिजल्ट हैगा वह मैं जरूर दिखाऊंगी थोनू विद द वीडियो होम, वो तुसी लास्ट तक जाते जाते देख ही लैनी हैगी है। पर फिलहाल दे वास्ते उस भुल चुक लई माफ़ी। गाइज मैनू ऐ लगदा हुण नाम रिवील कर देना चाहिए, वैसे तो कई ने पहचान ही लिया होना। ही इज़ परम खेपर एंड हिज वाइफ ऊषा एंड दे बोथ आर लाइफ स्टाइल ब्लॉगर्स। चाहे मेन पार्ट मिसिंग है, लेकिन गाइस ये ना टेप उतारन का तरीका बहुत ही क्लीयरली विजिबल हैगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टिस्ट नू की प्रॉब्लम आती है कि जो टेप उतारते हैं, टेप रिमूव करते हैं, तो वो शीट भी नाल दी नाल फटना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ ना होवे तो उहदे लई बहुत ही अच्छा तरीका इहदे विच मैं मैनशन किया हैगा, वो तुसी ध्यान नाल जरूर देखियो। इत्थे देखियो गाइज टेप जड़ी है मेरी 90 डिग्री ते मैं रिमूव नहीं कर रही हैगी, 90 डिग्री ते रिमूव करो तो जेड़े शीट है फटदी है। क्यों फटदी है? बिकॉज ऑफ द ग्लू, तुसी देख सकते हो ये शाइनिंग इंदे विच आ रही होनी है ग्लू दी, ध्यान नाल अगर तुसी देखो तो उहदे करके जदों आपां 90 डिग्री ते रिमूव करदे हां तो ग्लू जड़ी है ना शीट नू लगी रह जांदी है, तो शीट जड़ी है फट जांदी है। तो वो चीज़ ना होवे इस करके तुसी इस एंगल ते रिमूव करोगे तो कभी शीट नहीं फटेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तो बैल नोटिफिकेशन भी दबा दो प्लीज़।